हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो से ये जानेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं। आप इस 10 मिनट की वीडियो को पूरा देखें और आपको ऑप्शंस के बारे में बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स वो चीज़ होती है जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू ड्राइव होती है अंडरलाइंग असेट से। अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकता है, वो स्टॉक भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, कोई किसी कंपनी का शेयर हो सकता है। दोस्तों, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है बियॉन्ड ट्रेडिंग। हमारे चैनल की टैगलाइन, मैनेज रिस्क बी लिमिटलेस। दोस्तों, आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको अच्छा लगे वीडियो, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ऑप्शंस, जैसे कि मैंने बताया, डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और चीज़ से ड्राइव होती है। डेरिवेटिव्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है, डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट विच ड्राइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट। दोस्तों, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन जिसमें राइट टू बाय होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, और एक पुट ऑप्शन जिसमें राइट टू सेल होता है पर कुछ कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। दोस्तों, आई नो आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहली बार सुनने में बड़ी वो लगती हैं टेक्निकल। मैं एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ। आप ये सपोज कीजिए कि एप्पल जो कंपनी है, जो वर्ल्ड की नंबर वन फ़ोन कंपनी है, उसने मार्केट में नया आईफोन निकाला है काफ़ी टाइम बाद, और लोगों में मारामारी है उसको लेकर। हर किसी को वो फ़ोन चाहिए। जिस दिन लॉन्च डेट होती है, उस दिन एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। कुछ ही देर में लेटेस्ट आईफोन का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। अब स्टोर का मालिक सोचता है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, लोग बेचारे सुबह से लाइन में लगे हैं और अब फ़ोन का स्टॉक ख़त्म हो गया है। स्टोर ओनर को एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, जो भी लोग लाइन में लगे हैं सुबह से, उन सबको बोलता है, आप सब 1000 रुपये जमा करो और मैं आपको एक कूपन दूंगा, जिससे आने वाले एक महीने में आपको ये फ़ोन कैसे भी करके हम आपको देंगे। स्टोर कीपर लोगों को कहता है कि ये जो कूपन है, ये आपका राइट है फ़ोन परचेज करने का। कूपन में फ़ोन का प्राइस भी लिखा होता है, जो कि 1 लाख रुपए है। लोग बड़े खुश होते हैं और सब 1000-1000 रुपये जमा करके अपने अपने कूपन ले लेते हैं, सब अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, ये जो कूपन स्टोर कीपर ने दिया है लोगों को आईफोन खरीदने का, यही है ऑप्शन, यानी कि राइट टू बाय। इस कूपन से वो अगले एक महीने में, उनके पास राइट है कि वो दुकान पे आएंगे और फ़ोन लेके जाएंगे वहाँ से। अब दोस्तों सोचो, एक दूसरी कंडीशन है, अब आप ये सोचो कि नेक्स्ट वीक में ही मार्केट में ये बात फैल जाती है कि जो नया आईफोन आया है वो एकदम बेकार है, उसके रिव्यूज़ एकदम बेकार हैं, वो वर्थ नहीं है 1 लाख रुपये का। तो जिन लोगों ने कूपन लिए थे, उनमें से बहुत लोग कहेंगे, यार जब 1 लाख रुपए का वर्थ नहीं है, रिव्यूज अच्छे नहीं, तो हमने फोन नहीं लेना। ये अब यहां एक बात देखने वाली है, कूपन वाले लोगों के पास राइट तो था फोन खरीदने का, बट उनको जरूरी नहीं था कि वो फोन खरीदें, या उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन या मैंडेटरी नहीं है कि वो खरीदें ही। इट मीन्स राइट टू बाय बट नॉट एप्लीकेशन। दोस्तों, यही है ऑप्शन, राइट टू बाय ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ऑप्शन जैसे मैंने बताया दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। राइट टू बाय इस एग्जांपल में जो मैंने आपको समझाया, ये है हमारा कॉल ऑप्शन। ऐसे ही दोस्तों, राइट टू सेल है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को समझाने के लिए मैं फिर से आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, एज्यूम कीजिए एप्पल कंपनी ने अपना कोई पुराना मॉडल का फ़ोन आपसे वापस खरीदने के लिए बोला है। तो फिर से एप्पल स्टोर के बाहर बड़ी भीड़ लग जाती है, जिनके पास पुराने एप्पल के फ़ोन है वो जाते हैं, चाहते हैं कि भाई हम अपना फ़ोन बेच दें। बड़ा अच्छा प्राइस कंपनी दे रही है, 50,000 रुपये कंपनी इसको दे रही है। तो अब क्या होता है, लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद स्टोर जो कीपर है केवल 500 लोगों का ही फ़ोन ले पाता है, बाकी जो बंदे हैं उनको कहता है कि यार मैं आपके फ़ोन ले लूँगा, पर मेरी एक दिन की लिमिट इतनी है, आप ऐसे करो, मैं आपको एक कूपन देता हूँ जो कि 1000 रुपये का, आप सब 1000 रुपये जमा करो, मैं आपको अगले एक महीने में आपका ये फ़ोन आपसे खरीदूँगा और 50,000 रुपये में ही खरीदूँगा, ये कूपन में मेंशन करता है। दोस्तों, अब आप मेरे दिए गए दोनों एग्जांपल समझ गए होंगे आई होप। ये जो
अभी एग्जांपल दिया बेचने वाला, यानी कि राइट टू सेल, उस कूपन से लोगों को राइट मिला कि वो जाके सेल करेंगे अपना फ़ोन 50,000 रुपये में, उन्होंने 1,000 रुपये दे के वो राइट ले लिया। ये जो राइट टू सेल है, यही दोस्तों पुट ऑप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। कल को कोई किसी का फ्रेंड 50 की जगह 60 दे दे, तो आप क्या करोगे? आप उसको 60,000 में बेच दोगे, आपने क्यों उसको 50,000 में उसको बेचना स्टोर पर जाके, ठीक है ना? आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये जो आपने कूपन लिया था वो आपका नुकसान है। तो राइट टू सेल हो गया हमारा पुट ऑप्शन। तो दोस्तों राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेशन ये कॉल ऑप्शन है, राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन ये पुट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, आप मेरे दिए गए एग्जाम्पल्स को चाहे दोबारा सुन लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। दोस्तों हमारे अब एग्जाम्पल में जो कूपन है उसी को हम ऑप्शन बोलते हैं। जो प्राइस ऑफ कूपन है वो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है। जो हमने 1,000 रुपये का प्राइस वो किया है वो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है। जो कूपन का टाइम है, जो हमने कहा है कि 1 महीना है, वो हमारा ऑप्शन एक्सपायरी है। दोस्तों जो फ़ोन का प्राइस है, यानी कि 1,00,000 रुपये था जब ख़रीदना था, तो वो ही हमारा स्ट्राइक प्राइस है। और जो आईफोन है वो कोई भी शेयर हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है। ये एक रिलेट करके एग्जांपल दिया मैंने आपको, जो आपको आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो दोस्तों अभी आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये सारा थोड़ा पता लग गया है। अगर आपको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तो एटलीस्ट ऑप्शन के बेसिक के बारे में आप जान गए हो। दोस्तों हम जल्दी से जो ऑप्शन के ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल डेमो हैं वो भी एक बार देख लेते हैं NSE की वेबसाइट पर जाके। अगर हम दोस्तों NSE की वेबसाइट पे जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आप यहाँ पर देखेंगे, आप NSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो लाइव मार्केट में आता है यहाँ पे आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑप्शन चैन कीचे। आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, ये 18 फरवरी का है 2019 का। दोस्तों इसमें आप देखिए, अगर आप देखें इसमें तो एक्सपायरी डेट ये रही हमारी, जो 1 महीना मैंने बताया था आपको, ये रिलायंस का है। आप समझिए आईफोन जैसे था ऐसे रिलायंस का स्टॉक है ये। अब जैसे यहाँ पे ये जो भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, हर स्ट्राइक प्राइस के सामने उसका प्राइस है। जैसे 1220 में आपने ख़रीदना है कुछ तो उसका प्राइस 29 रुपये है कॉल ऑप्शन का। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, राइट में हमेशा कॉल ऑप्शन, राइट में पुट ऑप्शन होती हैं और लेफ्ट में हमेशा कॉल ऑप्शन होती हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये एक्सपायरी डेट है, ये हमारे प्राइसेस हैं ऑप्शंस के। लेफ्ट में आपके कॉल ऑप्शन के प्राइसेस हैं और राइट में आपके पुट ऑप्शन के प्राइसेस हैं। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, पर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपना इसमें दिमाग लाएंगे तो चीज़ें इतनी भी टेक्निकल नहीं है। दोस्तों इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। जैसे कि हर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका अपना एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका अपना एक सेटलमेंट होता है, अपना ही उसका एक लॉट साइज होता है। जैसे यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन था तो रिलायंस का ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 500 उसका है, शेयर्स का है। यानी कि अगर आप एक ऑप्शन खरीदते हैं तो आपने, आप मान के चलिए आपने एक तरह से 500 शेयर का एक लॉट खरीदा है। तो ये हर उसका लॉट का साइज होता है। जैसे निफ्टी का ऑप्शन है उसका 50 का लॉट है, सॉरी उसका 75 का लॉट है, बैंक निफ्टी का 20 का लॉट है। तो एक लॉट साइज भी होता है और हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। दोस्तों जब भी आपको लगे शेयर भागेगा तो आपने कॉल ऑप्शन लेना है, क्योंकि वो आपका राइट टू बाय है। और जब भी आपको लगे शेयर प्राइस गिरेगा तो आपने पुट ऑप्शन लेना है। दोस्तों ऑप्शन इतने पॉपुलर क्यों हैं आजकल? एक मेजर कारण है, ऑप्शन के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है और लिमिटेड रिस्क होता है। अब आप इसको ऐसे समझें, आपने रिलायंस की कॉल जो मैंने आपको दिखाई, अगर आपने 1200 रुपये की कोई कॉल ली आपने, जिसका आपने मान लो 40 रुपये दिया, कोई रिलायंस पे कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है कंपनी के साथ बहुत, तो शेयर प्राइस एकदम से भाग जाता है, वो हो जाता है 1400 रुपये। तो आपको क्या होगा, मान लो आपने 40 रुपये में कॉल ली उसकी, आपका स्ट्राइक प्राइस जब इसका स्टॉक प्राइस 1400 हो गया तो सीधा आपको 200 रुपये का प्रॉफिट है। आपका जो प्रीमियम आपने दिया 40 रुपये, वो आप उसको माइनस कर लो, आपको सीधा 160 रुपये का प्रॉफिट है एक शेयर पे। अगर 500 आपने एक लॉट लिया तो 160 × 500, आप देखो आपको कितना, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है इसके अंदर। तो दोस्तों आई होप आपको ऑप्शंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आ गई होगी इस वीडियो को देख के। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ऑप्शंस को और डीपली समझने के लिए
मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।